गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग योर चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। वेलकम टू माई चैनल। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, और फिर उसके बाद जो है मंडे से आपको कुछ नया मिलेगा, संडे को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हम बहुत जल्दी आपके साथ कहते हैं ना फेस टू फेस तो नहीं हो पाएगा बट इंटरैक्ट कर पाए डायरेक्टली, तो वो सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, लेकिन आपके सपोर्ट की मैं भी थोड़ी बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर मिले। आपका सपोर्ट होगा तभी शायद मैं आप तक पहुँच पाऊँगी या आपको गाइड जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए टिक्स पे मत जाना, क्योंकि जैसी स्लाइड्स पे टिक्स हैं ये मैंने नहीं लगाए हैं, जो स्लाइड्स मेरे पास हैं उनके उसी के बेसिस पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। द आउटमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज, हिमालय की सबसे द आउटमोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड एज, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है, काली, शिवालिक, देहरादून या कुमाऊं। देखिए कुमाऊं जो है ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, और उत्तराखंड में इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज नंदा देवी। ये कवक इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, इसके अंदर आती हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स, और हाईएस्ट जो सबसे बड़ी है वो है आपकी उत्तराखंड, देहरादून पड़ता है गढ़वाल रीजन पे, और इसमें आती हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ पौड़ी। तो ये नहीं है। काली, काली जो है दैट इज़ महाकाली नाम भी है इसका, ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ के पास यानी आपका नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज शिवालिक, शिवालिक को ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं, ट्रेसेस ऑफ शिवा और मानक पर्वत भी, ठीक है। तो शिवा जो है, शिवालिक झील जो है आपकी, दैट इज आउटमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एस्चुरी, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो नदीमुख बनाती है, कावेरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा। देखिए कृष्णा ये निकलती है आपकी त्र्यंबकेश्वर से, सॉरी महाबलेश्वर से, जो आपकी कावेरी है ये निकलती है आपकी कोडगु से, सॉरी एक सेकेंड, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, सही कह रही थी, महाबलेश्वर से, और अरेबियन सी में जाकर, अरेबियन सी का जो साइड है वहाँ से निकलती है, और गिरती कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। महानदी, महानदी जो है सिहवा से निकलती है, इस पे बना है आपका हीराकुड डैम, ठीक है, हीराकुड डैम। कावेरी जो निकलती है ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, ये जो आपकी कावेरी है ये कोडगु जो जगह है वहाँ से निकलती है, कोडगु कर्नाटका से, कोडगु कर्नाटका से निकलती है, और इस पे जो है आपका वेस्टर्न घाट साइड जो है ये कुछ एरिया वेस्टर्न घाट्स का कवर करती है, पर कोडगु जगह से, त्र्यंबकेश्वर से नहीं, कोडगु से निकलती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, तो आंसर इज नर्मदा, जो कि क्या है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी। ऑल दीज रिवर्स फॉलोज फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल, फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि भारत की जलवायु इक्वेटोरियल नहीं है, मेडिटेरियन नहीं है, कॉन्टिनेंटल नहीं है, इट्स मॉनसूनल, मॉनसूनी है हवा जो है, या भारत की जलवायु जो है वो है मॉनसूनल। IR20 रत्ना आर द टू मेन वेराइटीज ऑफ राइस, मेज, वीट या मिलेट्स। तो देखा जाए IR20 जब भी वर्ड आता है तो वो ना तो मेज से होता है, ना ही वीट से होता है, ना ही मिलेट से होता है, ये होता है आपका राइस से। क्या होता है, राइस।
विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर हम बात करें आपकी, यहाँ से चलते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में बना था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी बना था आपका, ये मैं लिखवा देती हूँ, 1988 में। सुंदरबन बना आपका 1989 में, और गल्फ ऑफ मन्नार बना ये भी 1989 में। ये हमारे बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व्स के तीन पार्ट्स होते हैं, कोर, ट्रांजिशन एरिया एंड द बफर, ठीक है। कोर जो होता है जहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं आपका, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ट्रांजिशन जहाँ पे थोड़ी बहुत है, और बफर एरिया जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपके अकॉर्डिंग गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी या नीलगिरी। तो अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ना ही आपका सुंदरबन जो है इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा पे कायदे से जो है इसका जो एरिया है आपका, जो नंदा देवी होना चाहिए आपका आंसर, कि नीलगिरी तो नहीं है, ठीक है। नीलगिरी लार्जेस्ट रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नंदा देवी नहीं है, आंसर इज सुंदरबंस, ना ही गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ पुष्कर लेक लोकेटेड। पुष्कर लेक कहाँ पे है? पुष्कर लेक जो है वो आपकी, पुष्कर मेला भी लगता है यहाँ पे, तो गुजरात, सिक्किम, त्रिपुरा। तो अगर देखा जाए गुजरात में है सुदर्शन लेक, जिसको बनाने रिपेयर किसने किया था, रुद्रसेन ने, ठीक है। एक है आपकी यहाँ की जो नाम है, सिक्किम की जो लार्जेस्ट नदी है दैट इज़ कॉल्ड गुर्दमोगर, गुर्दमोगर। और एक है चुलामू, चुलामू वॉज द, कहते हैं, हाईएस्ट लेक ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद है सेकेंड लेक जो है, ये है गुर्दमोगर। त्रिपुरा की जो है, त्रिपुरा की लेक को बोलते हैं धुम्बरी, दुबरी, इट्स दुबरी आई थिंक, हाँ दुबरी लेक, डुम्बर लेक या दुबरी लेक, दुबरी बोल लीजिए या डुम्बर लेक, ठीक है। तो डुम्बर लेक ये त्रिपुरा की है, गुजरात की मैंने सुदर्शन लेक बता दी, सिक्किम की ये जो है चुलामू जो है इसको हम तसो, इसका एक और नाम है तसो, सोलामो लेक, सोलामो लेक या चुलामो लेक जो है दैट इज़ द हाईएस्ट लेक, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया। तो पुष्कर लेक जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान पे। विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, इसमें से कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली बनाती है, सतलुज नहीं, गंगा जो कि गोमुख गंगोत्री से निकलती है, इसे भगीरथी कहा जाता है, जब ये अलकनंदा में पहुंचती है तब इसको ऑफिशियली गैंजिस का नाम पड़ता है, ठीक है। सतलुज आपकी तिब्बत से निकलती है राक्कस ताल से, और किन्नौर में पहले एंटर करती है। गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और आपको दक्षिण गंगोत्री, इसको दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच रीजन, तो इसका सही आंसर क्या है, तापी रिवर, ताप्ती, जो कि मध्य प्रदेश से है। विच रीजन इन इंडिया रिसीव सब्सटैंशियल रेन ड्यूरिंग विंटर मंथ ऑफ जनवरी, भारत के कौन से क्षेत्र में ठंडी की जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा पे बारिश होती है। देखिए राजस्थान नहीं होती, पंजाब में मानसून आते हैं, सेंट्रल इंडिया में नहीं, केरला वापस जब जाते हैं तो नॉर्थ रिट्रीटिंग मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, आपकी केरला में। ये हाल ही के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस स्लाइड को पूरा फोकस करना, क्योंकि ये अभी 2021 में पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हों, तो प्लीज़ इसको भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टिक्स पे मत जाना, क्योंकि जैसे मुझे पेपर्स मिल रहे हैं तो उसमें कईयों में टिक्स लगे हैं, तो ना मैं टिक्स को रिमूव कर पाऊँगी ना कुछ। तो आप टिक्स पर नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चंस पे फोकस करना, ठीक है।
द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्ज़रलैंड या कैलिफोर्निया। तो अगर देखा जाए आपकी साइबेरिया में बोलते हैं ब्लिज़र्ड, कोल्ड विंड्स होती हैं क्योंकि साइबेरिया सबसे ठंडा रीजन है। अर्जेंटीना में जो होती है, अर्जेंटीना में आपको बोलते हैं सोंडा जोंडा रिवर जोंडा विंड्स, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में होती है फोहॉर्न, दैट इज़ वार्म विंड्स, ठीक है। तो सांता आना जो है ये कहाँ ड्राई वार्म विंड्स हैं जो कि कहाँ पे ब्लॉक करती हैं आपकी कैलिफोर्निया में। द सडन फॉल इन बैरोमीटरिक रीडिंग इंडिकेट्स रेन, फाइन वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड या स्टॉर्म। तो सडन फॉल इन बैरोमीटरिक रीडिंग इंडिकेट्स कि एकदम से अचानक बैरोमीटर में गिरावट आने से क्या होगा, रेन, फाइन वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड या स्टॉर्म। तो आंसर इज स्टॉर्म। कैल्ड्रा इज द फीचर अनफोल्डिंग ऑफ रॉक्स, नहीं, फॉल्टिंग से रिफ्ट वैली, अर्थक्वेक से क्या आता है इसको हम, इसका मेन सेंटर होता है एपी सेंटर, ठीक है, डैमेज होता है वॉल्केनोस से भी होता है, ठीक है। तो आंसर कैलेड्रा एंड क्रेटर आर द टर्म्स रिलेटेड टू वॉल्केनोस। अर्थक्वेक के लिए एपी सेंटर, रिक्टर स्केल, डिप, फोकस, ये सारे किसके लिए टर्म्स यूज होती हैं आपकी, उसके लिए फोल्डिंग के लिए यूज होता है ग्रेबन एंड होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके रीसेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मैं फिर कह रही हूँ टिक्स पे मत जाना क्योंकि ये रीसेंट पेपर था, किसी ने पेपर में टिक मार दिए हैं तो मैं रब नहीं कर सकती। सिर्फ आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए कि क्या क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए और इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना। पास्ताज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन पास्तेज और शीतोष्ण ग्रास स्थल यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हंगरी या इजिप्ट। इजिप्ट पे होती है फ्लडेड ग्रास, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं डाउन्स, साउथ अफ्रीका के बोलते हैं वेल्ड, तो हंगरी के बोलते हैं पस्टार्च। तो ये याद रखना, जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको एक बार देख लीजिए। अगर मैं आपको थोड़े बताऊँ तो प्रेयरीज, स्टेपीज, यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया, प्रेयरीज जो हैं ये यूएसए में होते हैं, सावनास जो हैं ये अफ्रीका में होते हैं आपके, ठीक है, ये याद रखना। और अगर हम सेल्वास बोलें तो सेल्वास इन साउथ अमेरिका, राइट, साउथ अमेरिका। तो मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए मैंने इसका ऑस्ट्रेलिया क्या क्या बताया, डाउन, साउथ अफ्रीका का वेल्ट, हंगरी इज द राइट आंसर, और फ्लडेड ग्रास क्योंकि इजिप्ट में नदी है और ज़्यादातर ये एरिया जो है सहारा डेजर्ट के आसपास का लाइक करता, तो यहाँ पे फ्लडेड ग्रास ज़्यादा होती है। विच कंट्री वॉज फॉर्मली नोन एज सियाम, इसमें से पहले सियाम पहले किस देश का नाम था, म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा, जिसको पहले रंगून बोला गया फिर यंगून कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं है। सूरीनाम, सूरीनाम जो था ये किसका नाम पड़ा है, सूरीनाम जो है ये आपका इट्स कॉल्ड एज डच गुयाना, यानी जो ये पार्ट है डच गुयाना, ठीक है, डच गुयाना जो कि एक तरह से नीदरलैंड्स का पार्ट रहा है, राइट, तो ये नहीं है। कंबोडिया का नाम था कंपुचिया, कंपुचिया जो था इसका पुराना नाम था कंबोडिया का, तो ये नहीं है। सियाम जो नाम है वो है थाईलैंड का, जिसकी कैपिटल क्या है, बैंकॉक, एंड द करेंसी इज भाट। हवाइन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, हवाइन आइलैंड्स कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखिए साउथ पैसिफिक ओशन में कौन सी जगहें आती हैं, साउथ पैसिफिक में पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया ये एरियाज आते हैं, ठीक है। आपका साउथ अटलांटिक साइड जो आता है, साउथ अटलांटिक में आता है आपका यूके,
ट्रिस्टन गोवा, ट्रिस्टन डू कुन्हा, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक में। नॉर्थ अटलांटिक में आता है आपका आइसलैंड, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। हु विच इज़ नॉट अ ट्यूबर क्रॉप, देखिए ग्राउंडनट भी ट्यूबर है, शुगर बीट भी ट्यूबर है, स्वीट पोटैटो भी। टपोइका इज नॉट अ ट्यूबर, इट्स द एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड स्टार्च, ये एक एक्सट्रैक्टेड स्टार्च है जो कि किससे लिया गया है, कैसी, कसावा से, ठीक है, कसावा के ट्यूबर से जो है जो स्टार्च हम निकालते हैं उसको बोलते हैं टपोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल ट्री इज अ ड्राई डेसीडियस, मॉइस्ट डेसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल सेमीग्रीन। देखिए सॉल ट्री जो है, सॉल, टीक, ये ज़्यादातर ज़्यादा मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज हैं, ना ही ये ड्राई डेसीडियस में आते हैं अमल्टास, बेल, ठीक है, तो ये नहीं है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं और ट्रॉपिकल सेमीग्रीन भी नहीं, ठीक है, ट्रॉपिकल आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है। द टर्म रेगर्ड यूज टू मीन, रेगर्ड का मतलब क्या होता है, रेड सॉइल नहीं, लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में होती है, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, रेड सॉइल जो है आपकी ये भी पड़ती है तमिलनाडु साइड, रेड कलर होता है, मोस्ट आयरन। तो ब्लैक कॉटन सॉइल को हम बोलते हैं रेगड़ मिट्टी, इसको चेरनोजम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पे है ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, किस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है, डक्कन प्लेट्यू पे होती है। और एक और चीज़ याद रखना, इसको कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा होती है, कॉटन कल्टीवेशन। हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तमिलनाडु बनानास के लिए फेमस है, महाराष्ट्र ज्वार और मिलेट्स, तो ये दो तो कैंसिल होगी। पंजाब जो है ये आपका ज़्यादातर ज़्यादा मेज़ भी प्रोड्यूस करता है, एंड आपका ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, पंजाब सेकंड है, उत्तर प्रदेश पहला है। तो आज का सेशन इतना ही, देखिए किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो पूछ लेना, ये मत सोचिए कि जो ये स्लाइड्स हो गई हैं ये दोबारा नहीं होंगी, इन क्वेश्चंस को और मॉडिफाई करके आपके आगे रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है ये स्लाइड्स चल रही हैं। अब एक और चीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट वीक से एक एक सेशन किया जाएगा, और एक एक सेशन मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के एक सेशंस कर दिए जाएंगे, उसमें जो है कुछ सेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो सेशंस अगर आपको थोड़ी चेंजेस, क्योंकि आने वाला टाइम जो है या आने वाला पेपर फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, तो आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चेंजेस अच्छी लगें। प्लीज़ देखिए, अगर इस टाइम में से कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं ये चीज़ों को जल्दी रिकवर कर लूँगी। अगर कोई गलती होती है प्लीज़ माफ़ करना, कईयों को ये शिकायत है कि भाई मैं बीच में लिखती हूँ, तो इस टाइम पर स्क्रीन पर लिखा जाता है, जैसे लाइव में मिटाया जा सकता है, इस पर मिटाया नहीं जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी गलती होती है मुझे माफ़ करना। आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी जो है अपनी जो छोटी छोटी आपको कमियां अगर दिख रही हैं तो मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करूंगी, बट आपके साथ के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो आप अपना साथ दिए दीजिए, और जितना हो सकता है प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास पढ़ने का कोई ज़रिया नहीं है, या उन लोगों तक पहुँचाइए जो वेट कर रहे हैं, या किसी को लगता है कि क्लासेस नहीं मतलब जो है वेट कर रहे हैं, या कहीं से भी, बस मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए, और ख़ुद भी आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जितने भी मेरे साथ फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियोस को और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो करें मुझे, पूजा गुप्ता पेज पर, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। अगर अच्छा लग रहा है
कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इतना सा सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ कि आपका सपोर्ट मेरी मोटिवेशन है, वो मुझे हिम्मत देगी कि मैं चाहे आपके साथ मेहनत करूँ और आपके पेपर्स और आपके 1% जो आपका ड्रीम है उसमें सिर्फ 0.5% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कर सकूँ, बाकी आपकी मेहनत है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आई एम सॉरी, बट अगर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ इस जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, स्टे फिट स्टे कूल स्टे हेल्दी, गुड इवनिंग टेक केयर बाय बाय एंड मिलते हैं कल ज्योग्राफी के सेशन और फिर आपका आएगा कौन सा सेशन, रिवीजन सेशंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी स्लाइड्स में जो नए नए क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं इनको ज़रूर देखें, कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पे लिख दीजिए, फिर आपकी मिस्टेक्स को जल्दी दूर कर दिया जाएगा। बाय।